जैसे कि ये सर्वविदित है और अब तो सब जानते हैं कि हम कोरोना की दूसरी वेव से जूझ रहे हैं। पहली वेव से हम उभरे नहीं थे और दूसरी वेव आ गई। अब ये थोड़ा सा पहली और दूसरी वेव में फ़र्क क्या है, ये सेकंड वेव जो है ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को, बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्ट कर रही है पहली वेव से। पहले हम ये समझते थे क्योंकि कोरोना के बारे में पूरे विश्व को ही पता ही नहीं था, धीरे धीरे ये चीज़ें लोग समझ रहे हैं इस बीमारी के बारे में। तो अब ये जो दूसरी वेव स्टार्ट हुई है ये थोड़ा पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। इसमें म्यूटेटेड स्ट्रेन्स भी हैं, पहले वाला जो था उस स्ट्रेन के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, तो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। इसलिए थोड़ा सा पेरेंट्स को अपने इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है। कुछ सावधानियाँ तो सब जानते हैं कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये तो सब करनी है, और कम से कम हमें आयोजनों में जाना है, विवाह स्थल, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं कम से कम अटेंड करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें घर पे रहना है, स्टे घर में रहना है। और बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके कोई भी इस वक्त जिस तरीके से कोविड रैम्पेज बोलते हैं हम, विध्वंसक रूप जो कोविड ने लिया है, इस वक्त कोई भी बुखार को हल्के रूप से नहीं लेना, हर बुखार को हमें कोविड ही मानना है। मतलब इतना ज़्यादा है कि जो भी बुखार खांसी जुकाम बच्चे को हो रहा है या बड़े को हो रहा है उसको कोविड ही माने। अब चूंकि गवर्नमेंट ने फ्री फैसिलिटी कोविड आरटीपीसीआर की कर रखी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फीवर आते ही कोशिश करें कि कोविड टेस्ट कराएं तुरंत, ताकि हमें पता चले कि कोविड है। मैंने देखा है कि लोग बाग उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं कि साहब जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये हो जाएगा, और पॉजिटिव नहीं आएगा लेकिन है तो कोविड ही, तो उससे क्या क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो एक तो हमें फीवर आते ही चाहे बच्चे को आए बड़े को आए कोविड टेस्ट कराना है। दूसरा 10 से 15 दिन का क्वारंटीन बहुत ज़रूरी है कोविड पॉजिटिव आने के बाद। एक अच्छी बात यह है कि बच्चों में इन्फेक्ट जरूर ये ज़्यादा कर रहा है, पर बच्चों में ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। बड़ों में थोड़ा सा एल्डरली पेशेंट जो 60 साल से ऊपर है, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनमें हार्ट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उनमें थोड़ा सीरियस ज़्यादा है। बच्चों में ये सीरियसनेस ज़्यादा नहीं है। हमने बहुत सारे बच्चे कोविड के ऑनलाइन और अदरवाइज देखे हैं, थोड़ा बहुत जुकाम लगता है, खांसी आती है, हल्के फुल्के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा फीवर आता है, वो 5-7 दिन में बच्चे सारे रिकवर कर रहे हैं। इक्का दुक्का कोई केसेस ऐसे हैं जो सीरियस हो जाते हैं, जिसमें मतलब आईसीयू की या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, पर बहुत कम है परसेंटेज। बच्चों में सीरियस कोविड का परसेंटेज अडल्ट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, इन्फेक्टिविटी जरूर ज़्यादा है। ये तो एक बात हो गई। प्रॉब्लम होने के बाद जैसे बड़ों में रेमडेसिविर और उस सब की जरूरत पड़ती है, बच्चों में इन एंटीवायरल ड्रग्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिट हो जाते हैं, केवल पैरासिटामोल और सिंपल मेडिसिन से 5-7 दिन के अंदर बच्चे रिकवर कर जाते हैं। दूसरी बात है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंस इसका वैक्सीनेशन बच्चों में हुआ नहीं है, ज़्यादातर वैक्सीनेशन 45 प्लस के अंदर हुआ है, 18 से 45 को गवर्नमेंट अभी सेंक्शन देगी, 18 से नीचे तो कंपनी नहीं है क्योंकि ट्रायल ही नहीं हुआ 18 से नीचे, तो 18 से नीचे तो अभी वैक्सीन आया ही नहीं है। तो इसलिए भी अब जैसे 18 से 45 का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो फिर वो 0 से 18 साल की एज ग्रुप बिल्कुल एक ऐसी एज ग्रुप हो जाएगी, क्योंकि वो जो वैक्सीनेटेड भी नहीं है। तो भविष्य में तीसरी वेव आएगी तो हो सकता है 0 से 18 साल के बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करे, क्योंकि वैक्सीनेशन से बचे रह जाएंगे वो बच्चे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने हम इनर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, अंदर से इतना स्ट्रांग करें चीज़ों को कि अगर कोविड हमें होता भी है तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे मैं जो प्रॉब्लम देखता हूँ, मिल्क प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है, गांव ग्रामीण प्रवेश हो या कहीं पे भी, दूध दही छाछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसका प्रयोग कम करते हैं। हरी सब्जियां, दालें और फल, हम बार बार अपने ओपीडी में भी ये कहते हैं कि फ्रूट्स को, क्योंकि ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिंस, आयरन, मिनरल्स, ये सारा इन चीज़ों के अंदर होता है, और इम्यूनिटी बहुत कुछ इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपके बॉडी का विटामिन स्टेटस क्या है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये सारी चीज़ें फ्रूट्स में ज़्यादा है, तो ये फ्रूट्स हमें खिलाने हैं बच्चे को, सेब, चीकू, पपीता, टमाटर, खीरा, सेब, चीकू, पपीता की जोर रखना है। अब मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर यहाँ पे फ्रूट्स जो है एक बीमारी का पर्याय माना जाता है कि जो बीमार लोगों को फ्रूट होते हैं, बाकी सब बाकी चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो संतुलित आहार जो हम जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उसमें संतुलित आहार में केवल 5 चीज़ें हैं, दालें, सब्जियाँ, फल, अन्न और डेयरी प्रोडक्ट, 5 चीज़ें हैं, 5 छठी चीज़ ही नहीं है, मेन हेडिंग ये 5 है। अब ये 5ों चीज़ों का अगर बराबर समावेश खुराक के अंदर होगा तो संतुलित आहार हो गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और किताबों में लिखा हुआ नहीं है, तो इन 5ों चीज़ों का बराबर समावेश करें, डेयरी प्रोडक्ट्स देने होते देने, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खूब खिलाएं बच्चों को, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें, उनकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए 15 तरह के टॉनिक्स देने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, बाजार में फ्रूट्स उपलब्ध हैं, उनको ढंग से खिलाएं बच्चों को, रेगुलर बेसिस पे खिलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने से और एक्सपोजर से रोकें।
होपफुली जल्दी जिस स्पीड से कोविड सेकेंड वेव बढ़ रही है उस स्पीड से उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उसी स्पीड से कोविड वेव नीचे भी आए, और लेट्स होप कि थर्ड वेव तक आते आते हमारे बच्चे इतने इम्यून हो जाएं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो जाएं कि अगर उनको कोविड घुसे भी तो उनका बाल भी